नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। आए दिन बॉलीवुड में कास्टिंग काउच के मुद्दे पर बहस होती रहती है। कई एक्ट्रेस कास्टिंग काउच को लेकर बड़े खुलासे कर चुकी हैं, लेकिन अब इस कड़ी में नाम जुड़ गया है पद्मावत की मेहरुनिसा का किरदार निभाने वाली अदिति राव हैदरी का। अदिति राव हैदरी ने कास्टिंग काउच पर बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि अदिति राव हैदरी बॉलीवुड में 7 सालों से है और आज वो सफल एक्ट्रेस है, लेकिन शुरुआती दिनों में अदिति को स्ट्रगल के दौरान कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था और इस बात का खुलासा अदिति ने खुद एक इंटरव्यू में किया है। कास्टिंग काउच के बारे में जब अदिति से पूछा गया तो अदिति ने कहा, मैं भी इन हालातों से गुजर चुकी हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया। मैंने इस वजह से कई काम छोड़े और जब ये हुआ तो मैं हैरान रह गई थी, कोई मुझसे इस तरह व्यवहार कैसे कर सकता है। जिस दिन मेरे साथ ये हुआ उस दिन मैं बहुत अपसेट रही। अदिति ने कहा कि मेरे एक फैसले ने मुझे और मजबूत बना दिया। अदिति ने कहा, मैं रोई इसलिए क्योंकि मैं इस बात से परेशान थी कि लड़कियों के साथ इस तरह से पेश आया जाता है। इसके बाद मुझे 8 महीनों तक काम नहीं मिला। अदिति ने ये भी कहा कि मेरे एक फैसले ने मुझे और मजबूत बना दिया। साल 2013 मेरे लिए मुश्किल भरा रहा, मैंने अपने पिता को खो दिया, लेकिन 2014 के बाद चीजें ट्रैक पर आने लगी। अदिति ने इंटरव्यू में कहा कि कभी कभी कुछ चीजें आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर करनी पड़ती है। आपको बता दें कि अदिति राव हैदरी पहली ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जिन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता हो। बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस कास्टिंग काउच पर बड़े खुलासे कर चुकी है। आए दिन एक्ट्रेस को कास्टिंग काउच का शिकार होना पड़ता है, जो बेहद शर्म की बात है। बहरहाल हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।